बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में खराब पारी के कारण केएल राहुल पर लगा 10 करोड़ का जुर्माना। केएल राहुल ने कर दिया टीम इंडिया से बाहर होने का फैसला, क्योंकि केएल राहुल 10 करोड़ का जुर्माना देकर टीम इंडिया में खेलना नहीं चाहते। हाँ तो दोस्तों, बताएंगे आपको केएल राहुल पर इतना जुर्माना कैसे लगा और अब आप उन्हें टीम इंडिया में देख पाओगे या नहीं पाओगे, ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग भारतीय टीम को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगे क्रिकेट से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। तो अब हम आपको बता देते हैं कि भारतीय टीम के टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल को बाहर क्यों किया जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। इस टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में भारत ने 404 रन बनाए और अगर पहली पारी में बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने 150 रन ही बनाए, जिसमें केएल राहुल ने 54 गेंदे खेलते हुए 22 रन ही बनाए और इसके बाद केएल राहुल को खालिद अहमद ने आउट कर दिया। और अगर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 258 रन बनाए। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरे दिन का भी मैच खत्म हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने 0 विकेट के नुकसान पर 42 रन बनाए। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल की बात करें तो राहुल ने इस मुकाबले में 62 गेंदे खेली और 23 रन बनाते हुए मैदान से बाहर हुए। केएल राहुल का यह प्रदर्शन बीसीसीआई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद बीसीसीआई ने केएल राहुल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। अब आप लोग बताओ कि केएल राहुल पर यह जुर्माना लगाना सही था या गलत।